आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसको एनाबेल डॉल के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि एक ही डॉल के अराउंड इतनी सारी हॉरिफाइंग चीजें हो सकती हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अल्टीमेटली तो वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही है, एक डॉल है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं तुम्हें, वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। डॉल्स का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है विचक्राफ्ट में, वूडू में। ऐसा तुमने देखा ही होगा फिल्म्स में और टीवी सीरीज में कि कैसे डॉल्स को यूज करा जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को पोजेस करने के लिए, अलग अलग चीजों में विचक्राफ्ट में डॉल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस डॉल के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है, वो एक जापानीज डॉल है। जापान तुम सबको पता ही होगा कि कितना कल्चर्ड है, वहाँ पे कितने सारे अलग अलग कल्चर हैं। लेकिन उस कल्चर के साथ साथ जापान में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स भी हैं और बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी हैं। इस वीडियो की स्टोरी शुरू होती है 1918 के टाइम से। 1918 के टाइम पे एक लड़का था, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था इकीकी। वो मार्केट में घूम रहा था अपने जोड़े हुए पैसे लेके, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए गिफ्ट लेना था। ओकीकू का बर्थडे आने वाला था और वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहता था, एक ऐसा गिफ्ट जिससे उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाए और उसका बर्थडे एकदम बेस्ट तरीके से जाए। इकीकी जो भाई था, उसने पूरी मार्केट छान ली, लेकिन उसे कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था वो परफेक्ट गिफ्ट जो वो अपनी बहन को दे सके। पूरी मार्केट उसने छान ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिर में एक शॉप की तरफ उसकी नजर गई और उस शॉप के अंदर जो बाहर ग्लास पैनल्स होते हैं, वहां पे एक डॉल रखी हुई थी। उस पे नजर पड़ते ही इकीकी को पता था कि दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट जो अपनी छोटी बहन को दे सकता है। उस शॉप में एक डॉल रखी हुई थी और उस डॉल ने ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके बाल काफी लंबे थे और एक पीसफुल फेस था उस डॉल का। इकीकी ने जाके वो डॉल खरीद ली और उसको पैक वैक करा लिया कि वो अपनी बहन को देगा उसके बर्थडे पे। इकीकी घर आया और उसने आके बर्थडे के दिन अपनी बहन ओकीकू को वो डॉल गिफ्ट करी और उस डॉल को देखते ही जो छोटी बहन थी ओकीकू, उसको उस डॉल से प्यार हो गया था। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ओकीकू को अब पूरी दुनिया में उस डॉल के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और उस दिन के बाद से ओकीकू ने उस डॉल को कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा साथ रहते थे। ओकीकू उस डॉल के बाल भी कोम करती थी, उसको नहलाती भी थी, उसके कपड़े भी चेंज करती थी और उसको ऑलमोस्ट अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती थी। जहाँ पे ओकीकू थी वहीं पे वो डॉल थी, वो इनसेपरेबल थे। और ये चीज देख के जो भाई था इकीकी, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने वो परफेक्ट गिफ्ट खरीदा है अपनी बहन के लिए। और ओकीकू जो छोटी बहन थी, उसकी खुशी देख के उसका भाई भी बहुत ज्यादा खुश था। जो छोटी बहन थी वो उस डॉल को साथ लेके सोया करती थी। ओकीकू के बर्थडे के बाद किसी ने भी ओकीकू को और उस डॉल को अलग देखा ही नहीं, लेकिन ओकीकू की जो ये हैप्पीनेस थी वो ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन ओकीकू उसी डॉल के साथ घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ पे उसे एक मॉस्किटो ने, एक मच्छर ने काट लिया, जिसके वजह से ओकीकू को मलेरिया हो गया और उसके वजह से ओकीकू की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ओकीकू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसको ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो तड़प रही थी। लेकिन जब ओकीकू तड़प रही थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे भी उसने अपनी डॉल को पकड़ के रखा हुआ था। पूरे टाइम जब ओकीकू स्ट्रगल कर रही थी, उसकी डॉल उसके साथ थी। एंड देन ओकीकू डाइड। उस छोटी लड़की की डेथ हो गई मलेरिया से। पूरी फैमिली अंदर से टूट चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जब पूरी फैमिली ओकीकू को बरी करने जा रही थी, दफनाने जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो ओकीकू की डॉल थी जिससे उसे इतना ज्यादा प्यार था, उसको भी साथ में बरी कर दिया जाए। लेकिन ड्यू टू सम रिलीजियस रीजंस ये चीज नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने सोचा कि वो ओकीकू को दफनाने के बाद उस डॉल को अपने साथ ही रखेंगे। पूरी फैमिली उस छोटी लड़की के बरियल के बाद उस डॉल को अपने साथ घर ले गई और उन्होंने उस डॉल को एक प्रॉपर शेल्फ में रख दिया एंड उन्होंने उस डॉल का नाम भी ओकीकू रख दिया। एज अ मेमोरी उन्होंने वो डॉल को रखा था और उन्होंने उसको बहुत प्यार से साइड में शेल्फ में रख दिया था। घर वालों को चलते फिरते वो डॉल दिखती रहती थी। एंड अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी क्रीपी होनी शुरू होती है। एक दिन जो बड़ा भाई था इकीकी, वो घर के अंदर ही घूम रहा था एंड उसने एकदम से डॉल को नोटिस करा, तो उसे ऐसी फीलिंग आई कि डॉल के जो बाल थे वो थोड़े लंबे लग रहे थे। उसने जाके चेक करा तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, डॉल के बाल एक्चुअल में लंबे हो चुके हैं। जब मैंने ये स्टोरी यहाँ तक पढ़ी, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और काफी बार ऐसा होता है कि अर्बन लेजेंड्स में काफी सारी स्टोरीज फेक होती हैं, तो मेरे को थोड़ा इस इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक सोर्स ढूंढना था, तो मैंने काफी सारे जापानीज आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सारे आर्टिकल्स जापानीज में थे। तो मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैंने बात करी, जिसको जापानीज आती है, तो मैंने उसको
कुछ आर्टिकल्स भेजे एंड मैंने उससे पूछा कि एक बार इन्हें पढ़ो ठीक है और मेरे को बताना उसमें क्या है। हेलो हिमांशी। Hi Rohan, how are you? I'm well. Articles पढ़े तुमने? Yes Rohan, जो आपने articles भेजे थे ना मैंने वो पढ़े थे और मुझे वो काफी authentic लगे to be very honest. Okay. और उसमें एक story मैंने पढ़ी थी और उसमें ना एक बहुत creepy चीज थी that I'd like to tell you. हाँ हाँ. उसमें ना एक ऐसा हुआ था कि ओकीको के फादर थे एंड ओकीको के जो फादर थे नाइटमेयर्स आ रहे थे एंड वो एकदम से जब रात को उठे ना तो उनके सामने एक डॉल थी एंड वो डॉल वहां खड़ी हुई थी और वो डॉल वहां खुद कैसे आई ये किसी को नहीं पता आज दिन तक और ये कैसे हुआ ये भी नहीं पता। जो ओकीको के फादर थे वो भी रात को उठे थे और उनको मतलब सामने सामने मतलब वो डॉल दिखी थी। हाँ और ये लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ है उसमें। ये ट्रू लग रही है स्टोरी? लग रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा ये तुम अच्छा ये बात तो बताओ तुमने जापनी सीखी कहाँ से? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? So you know like I like watching anime a lot so उसमें ही से मेरा इंटरेस्ट आया and I started you know learning Japanese through this app called Duolingo. अच्छा ओके yeah. तो तुम अब ढंग से पढ़ पा रही हो सारा? एकदम परफेक्टली। क्योंकि मैं भी सोच रहा था सीखने का तो मैं भी फिर यही ट्राई करता हूँ। सॉर्टेड। थैंक यू सो मच यार। बाय बाय, टेक केयर। बाय। सो गाइज अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ डुओलिंगो के बारे में। डुओलिंगो वर्ल्ड का सबसे फेमस फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। तुम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ 40 प्लस लैंग्वेजेस सीख सकते हो जैसे फ्रेंच जापानीज और जर्मन हो गई स्पैनिश हो गई। तुम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तुम फ्री में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से एंड इट्स अमेजिंग। इट्स लाइक अ गेम और तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको यूज करने में। हर लैंग्वेज के तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग लिसनिंग एंड रीडिंग और डुओलिंगो इन तीनों पार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये ऐप तुम्हारे अंदर एक हैबिट डेवलप कर देगा। तुम्हें डेली रिमाइंडर्स मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ दिन में 10 मिनट देने हैं और उन 10 मिनट में ही तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। डुओलिंगो बहुत सारे टॉपिक्स को यूज करता है जैसे ट्रैवल हो गया जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया जिससे तुम काफी एफिशिएंटली लैंग्वेज सीख पाते हो। और अगर तुम खाली अपनी इंग्लिश पॉलिश करना चाहते हो तो तुम हिंदी से इंग्लिश भी काफी आसानी से काफी इजिली काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सो गाइज मेक श्योर कि तुम जाओ और डुओलिंगो ट्राई करो। उसे बिलीव नहीं हुआ कि डॉल के बाल कैसे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना ऑब्वियसली उसके बाल ग्रो नहीं कर सकते लेकिन उस डॉल के बाल ग्रो कर रहे थे। उसने ये भी नोटिस करा कि डॉल के बाल पहले एकदम ब्लैक थे लेकिन जब वो चेक कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ ब्राउन शेड वाले बाल भी अब उस डॉल के सर के ऊपर थे और वो बाल एकदम ह्यूमन हेयर की तरह ही ग्रो कर रहे थे और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे वो बाल टूट भी रहे थे। उस डॉल के बाल देख के कोई ये नहीं बता सकता था कि ये असली इंसान के बाल नहीं है। उस लड़के ने जाके अपनी फैमिली को बताया और फैमिली को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें वहम हो रहा है और उन्होंने उस डॉल के बाल ट्रिम कर दिए उस डॉल के बाल काट दिए एंड आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस डॉल के बाल ट्रिम करे उनकी लाइफ हेल बन गई। तीनों फैमिली मेंबर्स मॉम डैड और जो भाई था तीनों को कंटिन्यूसली नाइटमेयर्स आते रहते थे और नाइटमेयर्स ऐसे सिंपल वाले भी नहीं सबसे एक्सट्रीम नाइटमेयर्स। उनके लिए सोना मुश्किल हो गया था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तीनों की जिंदगी एकदम हराम हो चुकी थी। उनके घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। घर वालों ने कई बार नोटिस करा कि घर की कुछ चीजें काफी बार मूव हो चुकी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी हैं जबकि घर के किसी भी मेंबर ने ऐसा कुछ नहीं करा था और उन्होंने काफी सारी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था। कई बार तो फैमिली ने रात को सोते हुए नींद के बीच में उस डॉल को मूव करते हुए देखा था। इमेजिन तुम खुद हो उनकी जगह और तुम रात को अपनी नींद से उठते हो बीच रात में और तुम एक डॉल को मूव करते हुए देखते हो। अब हम आ जाते हैं वापस स्टोरी में। अभी हमें पता चला कि बीच में एक ऐसा मोमेंट था जहां पे ओकीको के जो डैड थे जो फैमिली के हेड थे जो डैड थे वो भी एक बार रात को उठे थे और जैसे ही वो उठे उनको उनके सामने वो डॉल दिखी थी। वो डॉल खुद ब खुद तो नहीं आ सकती वहां पे लेकिन तीनों फैमिली मेंबर्स को पता था कि उन तीनों में से किसी ने भी उस डॉल को वहां नहीं रखा है। एक तरीके से वो डॉल खुद ही मूव कर रही थी एंड एट दिस पॉइंट द फैमिली लॉस्ट इट। फैमिली को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके जितने भी नाइटमेयर्स हैं उनके घर में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे उनको रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी उनको बैंग्स की आवाज़ सुनती थी कि कोई दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है बहुत ज़ोर से कि कोई चीख रहा है और वो चीख भी एक छोटी बच्ची की उन्हें सुनाई देती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और उस फैमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि वो डॉल
उस फैमिली के साथ एक या दो साल के लिए नहीं थी, फॉर 20 years उस फैमिली ने ये सब कुछ सफर करा है। इमेजिन योर सेल्फ, 20 साल के लिए क्या तुम कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर्स फेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक घर में जिसमें तुम्हारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होए जा रही है, तुम 20 साल कैसे रह सकते हो उस घर में? बट वो फैमिली वहीं रह रही थी, और हर साल ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती रहती थी जैसे जैसे ओकीकू का बर्थडे पास में आता था। फैमिली ने ये चीज नोटिस करी थी उन 20 सालों में कि हर बार जैसे ही ओकीकू का बर्थडे आने वाला होता था, उनको घर में अजीबोगरीब चीजें फील होने लग जाती थी। अब वो जो फैमिली थी उनको समझ आ गया था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इट्स वेरी पॉसिबल कि ये उस डॉल के वजह से हो रहा हो। तो उस फैमिली ने काफी सारे प्रीस्ट को बुलाया, काफी सारे लोगों को बुलाया जो उनके घर को ब्लेस कर सके और इस डॉल को क्लेंज कर सके, साफ कर सके और सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको दूर भगा सके। और काफी सारे प्रीस्ट आए और उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जब भी वो कोशिश करते थे उस डॉल को क्लेंस करने की, उस फैमिली का जीना और ज्यादा हराम हो जाता था और ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ जाती थी। उस फैमिली ने बहुत कोशिश करी उस डॉल को क्लेंस करने की, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। 20 साल बाद उस फैमिली ने प्लान कर लिया कि अब उनको घर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये सब कुछ की वजह ये भी हो सकती है कि ओकीकू जो उनकी छोटी बेटी थी जिसकी डेथ हो गई थी जब वो 3 साल की थी, उसकी जो ग्रेव थी, जो कब्र थी, वो घर के काफ़ी पास थी। तो उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान करा शिफ्ट करने का, और वो मूव करने के लिए प्लान ही कर रहे थे और उन्हें एकदम से स्ट्राइक करा कि वो जो डॉल थी, ओकीकू की डॉल थी जिसका नाम भी उन्होंने ओकीकू ही रख दिया था, वो उसको साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि 20 साल से वो सफ़र कर रहे थे। तो उस फैमिली ने उस डॉल को दे दिया मेनिनजी बुद्धिस्ट टेम्पल में। जापान में एक टेम्पल है मेनिनजी बुद्धिस्ट टेम्पल, उसके अंदर ये डॉल अभी भी है। उस फैमिली ने इस डॉल को दे दिया उस टेम्पल में, और उस टेम्पल के जितने भी प्रीस्ट थे, जितने भी लोग थे, उन सबको बता दिया पूरी स्टोरी की इस डॉल के अराउंड उन्हें क्या क्या फील हुआ है, इस डॉल की स्टोरी क्या, उन्होंने सब कुछ बता दिया। और मेनिनजी बुद्धिस्ट टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने भी क्लेंस करने की कोशिश करी उस डॉल को, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेनिनजी बुद्धिस्ट टेम्पल के सारे प्रीस्ट ने उस डॉल को प्रॉपरली पैक करके रख दिया है उस टेम्पल में, और ये डॉल अभी भी वहीं पे है। जब इस डॉल को उस टेम्पल में रख दिया गया तो उस टेम्पल के भी सारे लोगों को नाइटमेयर्स वगैरह आने लग गए थे, लेकिन अब इस डॉल को और कहीं नहीं रखा जा सकता। और थोड़े टाइम बाद टेम्पल के लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि उस डॉल के बाल ग्रो कर रहे हैं। वो जो डॉल है वो अभी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। काफ़ी सारे लोग आते हैं उस डॉल को देखने, उसको विजिट करने, देखने की क्या ये डॉल सही में असली है या नहीं, और क्या उसके बाल सही में ग्रो करते हैं या नहीं। लेकिन जो लोग इस डॉल को देखने आते हैं उनको भी नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो भी काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। और अभी रिसेंटली तो ये पता चला है कि काफ़ी सारे टूरिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है कि वो जो डॉल है उसका मुंह भी ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी उसके मुंह के अंदर देखता है उन लोगों को टीथ भी नजर आ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि उस डॉल के दांत भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें यह स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो मेक श्योर की लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेक श्योर यू गो एंड ट्राई डोलिंगो इफ़ यू वॉन्ट लर्न एनी लैंग्वेज जो तुम्हें पसंद हो। मैं खुद जापनीज सीख रहा हूँ, सो गो एंड ट्राई डोलिंगो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, गो एंड ट्राई इट, इट्स फ्री। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।